नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लॉन्ग साउंड ई का उच्चारण इंग्लिश शब्दों में किन किन वॉवल से होता है। जी हाँ दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि शॉर्ट ई का उच्चारण किन किन वॉवल से होता है, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लॉन्ग ई का उच्चारण इंग्लिश शब्दों में किन किन वॉवल से होता है। जैसे कि दोस्तों, आप इंग्लिश पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा कि लॉन्ग ई का उच्चारण कुछ शब्दों में ई से होता है और कुछ शब्दों में डबल ई से होता है और कुछ शब्दों में ई ए से होता है और कुछ शब्दों में आई से होता है और कुछ शब्दों में आई ई से होता है और कुछ शब्दों में ई आई का उच्चारण लॉन्ग साउंड ई होता है। यदि आप जानना चाहती है कि किन किन शब्दों में लॉन्ग साउंड ई का उच्चारण किन किन वॉवल से होता है तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आप वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला नियम ये है, दो कॉन्सोनेंट के बीच ई आने पर और ई के बाद एक लेटर छोड़कर ई आता है तब ई का उच्चारण ई होता है, परंतु ई के बाद आर ना आए। जी हाँ दोस्तों, दो कॉन्सोनेंट के बीच ई आने पर और ई के बाद एक लेटर छोड़कर ई आता है तब ई का उच्चारण ई होता है, परंतु ई के बाद आर ना आए। जैसे सीड, सीड शब्द में दो कॉन्सोनेंट के बीच ई आया है और ई के बाद एक लेटर छोड़कर ई आया है, और यहाँ पर जो दो कॉन्सोनेंट के बीच ई आया है इस ई का उच्चारण ई होगा, इसलिए इसे सीड पढ़ा जाता है, और सीड मीन्स होता है हवाले करना। मीट, मीट शब्द में भी दो कॉन्सोनेंट के बीच ई आया है और ई के बाद एक लेटर छोड़कर ई आया है, और यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट के बीच जो ई आया है इस ई का उच्चारण ई होगा, और इसलिए इसे मीट पढ़ा जाता है, और मीट मीन्स होता है बांट देना। जीन, जीन शब्द में भी दो कॉन्सोनेंट के बीच ई आया है और ई के बाद एक लेटर छोड़कर ई आया है, और यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट के बीच जो ई आया है इसका उच्चारण ई होगा, इसलिए इसे जीन पढ़ा जाता है, और जीन मीन्स होता है जनन कोशिका में रहने वाला तत्व। कंप्लीट, कंप्लीट शब्द में दो कॉन्सोनेंट के बीच ई आया है और ई के बाद एक लेटर छोड़कर ई आया है, और जो दो कॉन्सोनेंट के बीच ई है इसका उच्चारण ई होगा, इसलिए इसे कंप्लीट पढ़ा जाता है, और कंप्लीट मीन्स होता है संपूर्ण करना। कन्वीन, कन्वीन शब्द में दो कॉन्सोनेंट के बीच ई आया है और ई के बाद एक लेटर छोड़कर फिर ई आया है, और जो दो कॉन्सोनेंट के बीच ई आया है इसका उच्चारण ई होगा, इसलिए इसे कन्वीन पढ़ा जाता है, और कन्वीन मीन्स होता है बुलवाना या बुलाना। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि ई के बाद आर ना आए तब ई का उच्चारण ई होगा, यदि दोस्तों ई के बाद आर आता है तब ई का उच्चारण क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो हियर, हियर शब्द में ई के बाद आर आया है और आर के बाद ई आया है, तो यहाँ पर दोस्तों जो आर से पहले ई है इस ई का उच्चारण शॉर्ट साउंड ई होगा और आर का उच्चारण आर होगा, और इसलिए इसे हियर पढ़ा जाता है, और हियर मीन्स होता है यहाँ। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि ई का उच्चारण ई कब होता है। अब मैं आपको बताता हूँ अगला नियम। तो दोस्तों दूसरा नियम ये है, ए ई से शुरू होने वाले शब्दों में ए ई का उच्चारण ई होता है, परंतु ए ई के बाद आर ना आए। जी हाँ दोस्तों, ए ई से शुरू होने वाले शब्दों में ए ई का उच्चारण ई होता है,
परंतु ए के बाद आर ना आए, जैसे ईन। ईन ए ई से शुरू हुआ है, इसलिए यहाँ पर ए ई का उच्चारण ई हुआ है, इसलिए इसे ईन पढ़ा जाता है और ईन मीन्स होता है युग। ईजिस, ईजिस शब्द ए ई से शुरू हुआ है और यहाँ पर ए ई का उच्चारण ई हुआ है, इसलिए इसे ईजिस पढ़ा जाता है और ईजिस मीन्स होता है छत्र छाया। अगला शब्द है दोस्तों एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स ए ई से शुरू हुआ है और यहाँ पर ए ई का उच्चारण ई हुआ है, इसलिए ही इसे एस्थेटिक्स पढ़ा जाता है और एस्थेटिक्स मीन्स होता है सौंदर्य शास्त्र। अगला शब्द है दोस्तों एरियल। एरियल शब्द ए ई से शुरू हुआ है परंतु ए ई के बाद आर आया है, इसलिए यहाँ पर ए ई का उच्चारण ए होगा, ई नहीं हो। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि ए ई का उच्चारण ई कब होता है। अब मैं आपको बताता हूँ अगला नियम। तो दोस्तों तीसरा नियम ये है, ई ए से शुरू होने वाले शब्दों में या दो कॉन्सोनेंट के बीच ई ए आता है तब ई ए का उच्चारण ई होता है, परंतु ई ए के बाद आर ना आए। जी हाँ दोस्तों, ई ए से शुरू होने वाले शब्दों में या दो कॉन्सोनेंट के बीच ई ए आता है तब ई ए का उच्चारण ई होता है, परंतु ई ए के बाद आर ना आए। जैसे ईच। ईच शब्द ई ए से शुरू हुआ है और यहाँ पर ई ए का उच्चारण ई हुआ है, इसलिए इसे ईच पढ़ा जाता है और ईच मीन्स होता है प्रत्येक। ईट। ईट शब्द भी ई ए से शुरू हुआ है और यहाँ पर ई ए का उच्चारण ई हुआ है, इसलिए इसे ईट पढ़ा जाता है और ईट मीन्स होता है खाना। क्लीन। क्लीन शब्द में दो कॉन्सोनेंट के बीच ई ए आया है और यहाँ पर ई ए का उच्चारण ई होगा, इसलिए इसे क्लीन पढ़ा जाता है और क्लीन मीन्स होता है साफ करना। रीच। रीच शब्द में भी दो कॉन्सोनेंट के बीच ई ए आया है और यहाँ पर ई ए का उच्चारण ई होगा, इसलिए इसे रीच पढ़ा जाता है और रीच मीन्स होता है पहुँचना। चीप। चीप शब्द में दो कॉन्सोनेंट के बीच ई ए आया है और यहाँ पर ई ए का उच्चारण ई होगा, इसलिए इसे चीप पढ़ा जाता है और चीप मीन्स होता है सस्ता। हीट। हीट शब्द में दो कॉन्सोनेंट के बीच ई ए आया है और यहाँ पर ई ए का उच्चारण ई होगा, इसलिए इसे हीट पढ़ा जाता है और हीट मीन्स होता है गर्म। ड्रीम। ड्रीम शब्द में भी दो कॉन्सोनेंट के बीच ई ए आया है और यहाँ पर ई ए का उच्चारण ई होगा, इसलिए इसे ड्रीम पढ़ा जाता है और ड्रीम मीन्स होता है सपना। तो दोस्तों अगला शब्द है अर्ली। अर्ली शब्द ई ए से शुरू हुआ है लेकिन अर्ली शब्द में ई ए के बाद आर आया है और यहाँ पर ई ए का उच्चारण आ हुआ है। तो जैसे कि दोस्तों ई ए के बाद आर आता है तब इसका उच्चारण ज़्यादातर आ होता है, और जिन शब्दों में ई ए के बाद आर नहीं आता है उन शब्दों में अधिकांश ई ए का उच्चारण ई होता है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि ई ए का उच्चारण ई कब होता है। अब मैं आपको बताता हूँ अगला नियम। तो दोस्तों चौथा नियम ये है, किसी शब्द के अंत में या दो कॉन्सोनेंट के बीच डबल ई आता है तब डबल ई का उच्चारण ई होता है, परंतु डबल ई के बाद आर ना आए। जी हाँ दोस्तों, किसी शब्द के अंत में या दो कॉन्सोनेंट के बीच डबल ई आता है
तब डबल ई का उच्चारण ई होता है, परंतु डबल ई के बाद आर ना आए, जैसे बी। बी शब्द के अंत में डबल ई आया है और यहाँ पर डबल ई का उच्चारण ई हुआ है, इसलिए इसे बी पढ़ा जाता है। और बी मिस होता है मधुमक्खी। फी, फी शब्द के अंत में डबल ई आया है और यहाँ पर डबल ई का उच्चारण ई हुआ है, इसलिए इसे फी पढ़ा जाता है। और फी मिस होता है शुल्क। नी, नी शब्द के अंत में भी डबल ई आया है और यहाँ पर डबल ई का उच्चारण ई हुआ है, इसलिए इसे नी पढ़ा जाता है। और नी मिस होता है घुटना। दोस्तों, नी शब्द में के साइलेंट है। यदि आप साइलेंट लेटर पर वीडियो देखना चाहते हैं, लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, जिसमें कि मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें कि टोटल वीडियो साइलेंट लेटर पर हैं, जिन्हें आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। दोस्तों, अगला शब्द है फील। और फील शब्द में दो कॉन्सोनेंट के बीच डबल ई आया है और यहाँ पर डबल ई का उच्चारण ई हुआ है, इसलिए इसे फील पढ़ा जाता है। और फील मीन्स होता है महसूस करना। सीक, सीक शब्द में दो कॉन्सोनेंट के बीच डबल ई आया है और यहाँ पर डबल ई का उच्चारण ई हुआ है, इसलिए इसे सीक पढ़ा जाता है। और सीक मीन्स होता है ढूंढना। कीप, कीप शब्द में दो कॉन्सोनेंट के बीच डबल ई आया है और यहाँ पर डबल ई का उच्चारण ई हुआ है, इसलिए इसे कीप पढ़ा जाता है। और कीप मीन्स होता है रखना। तो दोस्तों, अगला शब्द है डियर। और डियर शब्द में डबल ई के बाद आर आया है और इस शब्द में पहली ई का उच्चारण शॉर्ट साउंड ई होगा और दूसरी ई का उच्चारण आ होगा, इसलिए इसे डियर पढ़ा जाता है। और डियर मीन्स होता है हिरन। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि आपको डबल ई के बाद आर आने पर डबल ई का उच्चारण कैसे करना है। अब मैं आपको बताता हूँ अगला नियम। तो दोस्तों, पांचवा नियम ये है, आई के एक्चुअल साउंड के अपवाद शब्दों में आई का उच्चारण ई होता है। जी हाँ दोस्तों, आई के एक्चुअल साउंड के अपवादित शब्दों में आई का उच्चारण ई होता है, जैसे मरीन। मरीन शब्द में आई का उच्चारण आई ना होकर के ई हुआ है और इसलिए इसे मरीन पढ़ा जाता है। और मरीन मीन्स होता है समुद्री। रिजीम, रिजीम शब्द में आई का उच्चारण आई ना होकर के ई हुआ है, इसलिए इसे रिजीम पढ़ा जाता है। और रिजीम मीन्स होता है शासन या शासनकाल। क्वारंटीन, क्वारंटीन शब्द में आई का उच्चारण आई ना होकर के ई हुआ है, इसलिए इसे क्वारंटीन पढ़ा जाता है। और क्वारंटीन मीन्स होता है संक्रमण रोगी। तो दोस्तों, ये शब्द आई के एक्चुअल साउंड के अपवादित शब्द हैं, इसलिए इन शब्दों में आई का उच्चारण ई हुआ है। लेकिन अगर ये आई के अपवादित शब्द नहीं होते तो इन शब्दों में आई का उच्चारण आई होता, जैसे फाइन। फाइन शब्द में आई का आई उच्चारण हुआ है, इसलिए इसे फाइन पढ़ा जाता है। और फाइन आई के एक्चुअल साउंड का अपवादित शब्द नहीं है, इसलिए फाइन में आई का उच्चारण आई हुआ है। तो दोस्तों, जो आई के एक्चुअल साउंड के अपवादित शब्द होते हैं उनमें आई का उच्चारण ई होता है, और जो अपवादित शब्द नहीं होते हैं उनमें आई का एक्चुअल साउंड आई होता है। अब मैं आपको बताता हूँ अगला नियम। तो दोस्तों, छठा नियम ये है, दो कॉन्सोनेंट के बीच आई ई आता है तब आई ई का उच्चारण ई होता है, परंतु आई ई के बाद आर ना आए। जी हाँ दोस्तों, दो कॉन्सोनेंट के बीच आई ई आता है तब
आईई का उच्चारण ई होता है, परंतु आईई के बाद आर ना आए। जैसे चीफ, चीफ शब्द में दो कॉन्सोनेंट के बीच आईई आया है और यहाँ पर आईई का उच्चारण ई हुआ है, और चीफ मिस होता है मुख्य। फील्ड, फील्ड शब्द में भी दो कॉन्सोनेंट के बीच आईई आया है और यहाँ पर आईई का उच्चारण ई हुआ है, इसलिए इसे फील्ड बोला जाता है, और फील्ड मिस होता है मैदान। ग्रीफ, ग्रीफ शब्द में भी दो कॉन्सोनेंट के बीच आईई आया है और इसमें आईई का उच्चारण ई हुआ है, इसलिए इसे ग्रीफ बोला जाता है, और ग्रीफ मिस होता है शोक। बिलीव, बिलीव शब्द में भी दो कॉन्सोनेंट के बीच आईई आया है और इस शब्द में भी आईई का उच्चारण ई हुआ है, इसलिए इसे बिलीव पढ़ा जाता है, और बिलीव मीन्स होता है विश्वास करना। पियर्स, पियर्स शब्द में आईई के बाद आर आया है और यहाँ पर आईई का उच्चारण ई नहीं हुआ है, यहाँ पर आई का उच्चारण शॉर्ट साउंड ई हुआ है और ई का उच्चारण आ हुआ है, इसलिए इसे पियर्स बोला जाता है, और पियर्स मिस होता है प्रवेश करना। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि आई का उच्चारण किन शब्दों में ई होता है। अब मैं आपको बताता हूँ अगला नियम। तो दोस्तों, सातवां नियम ये है कि दो कॉन्सोनेंट के बीच ई आई आता है तब ई आई का उच्चारण ई होता है, परंतु ई आई के बाद आर ना आए। जी हाँ दोस्तों, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच ई आई आता है तब ई आई का उच्चारण ई होता है, परंतु ई आई के बाद आर ना आए। जैसे कंसीट, कंसीट शब्द में दो कॉन्सोनेंट के बीच ई आई आया है और इसलिए यहाँ पर ई आई का उच्चारण ई हुआ है, इसलिए इसे कंसीट पढ़ा जाता है, और कंसीट मीन्स होता है दम्भ। डिसीट, डिसीट शब्द में भी दो कॉन्सोनेंट के बीच ई आई आया है और यहाँ पर ई आई का उच्चारण ई हुआ है, इसलिए इसे डिसीट पढ़ा जाता है, और डिसीट मीन्स होता है धोखा देना। सीलिंग, सीलिंग शब्द में दो कॉन्सोनेंट के बीच ई आई आया है और यहाँ पर ई आई का उच्चारण ई हुआ है, इसलिए इसे सीलिंग पढ़ा जाता है, और सीलिंग मीन्स होता है छत का निचला भाग। रिसीव, रिसीव शब्द में दो कॉन्सोनेंट के बीच ई आई आया है और यहाँ पर ई आई का उच्चारण ई हुआ है, इसलिए इसे रिसीव पढ़ा जाता है, और रिसीव मीन्स होता है प्राप्त करना। वियर, वियर शब्द में ई आई के बाद आर आया है और यहाँ पर ई का उच्चारण शॉर्ट साउंड ई हुआ है और आई का उच्चारण आ हुआ है, इसलिए इसे बियर पढ़ा जाता है, और बियर मीन्स होता है बांध। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि ई के साउंड के लिए किन किन वॉवल्स का प्रयोग किन किन शब्दों में कब किया जाता है। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि लॉन्ग साउंड ई का उच्चारण इंग्लिश शब्दों में किन किन वॉवल्स से और कब किया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।